दिस इज कविता गुप्ता, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खेल खेल में इंग्लिश सीखें। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपके लिए फिर से टू इंग्लिश न्यूज़पेपर की बहुत ही इम्पोर्टेंट अच्छी अच्छी वोकैब्स लाई हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, उनको सीखते हैं जो इंग्लिश के न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा आती रहती हैं। तो आज मैं उन दोनों वोकैब्स को आपको खेल खेल में सिखाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, आज की हमारी फर्स्ट वोकैब है असॉल्ट, ASSAULT, असॉल्ट। असॉल्ट मींस होता है फ्रेंड्स टू अटैक, मींस हमला करना, किसी पर हमला करना, आक्रमण करना, अटैक करना। तो उसको हम फ्रेंड्स देखिए, नॉर्मल जो हमारी वोकैब होती है अटैक, वो तो सभी को पता होती है, वो तो आप नॉर्मली बोलते हैं अटैक तो सभी को पता होता है। लेकिन फ्रेंड्स वहाँ जो न्यूज़पेपर होगा, तो न्यूज़पेपर में वहाँ आपको अटैक नहीं मिलेगा, वहाँ पर आपको मिलेगा असॉल्ट, जिसकी वजह से आप क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। आप जब भी इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ेंगे और आपको वहाँ असॉल्ट नज़र आता है, तो आप ये सोचेंगे इसका मीनिंग क्या होता है, और इसका मीनिंग ही अटैक होता है, और यही आप इसमें ही कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। तो इसलिए फ्रेंड्स आप इस वर्ड को पहले ही लर्न कर लीजिए, ताकि जब भी आप कहीं इस वर्ड को देखें या इंग्लिश के न्यूज़पेपर में देखें, तो आप कंफ्यूज ना हो। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ इस वर्ड को किस तरह से मैं आपको ये लर्न कराने वाली हूँ। देखिए, तो असॉल्ट मींस होता है टू अटैक, और इसका हिंदी मीनिंग हमला करना या किसी पर आक्रमण करना। अब देखिए स्टूडेंट, इसको कैसे लर्न करेंगे, जैसे आप मेरी प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कितने सारे वोकैब्स मैंने आपको आपकी लाइफ से ही कोरिलेट करके अभी तक सिखाए हैं, तो इसे भी आज मैं ऐसे ही सिखाने वाली हूँ आप लोगों को। तो देखिए असॉल्ट को कैसे लर्न कर रहे हैं हम, यहाँ पर ASS, इससे फ्रेंड साउंड आ रही है एस। एस तो आप सभी को पता होगा, एस किसे कहते हैं पता है आप सभी को, एस का मीनिंग होता है फ्रेंड्स गधा। तो एस मिस हो गया यहाँ पर, एस से हमने इसको रिलेट कर दिया, क्योंकि साउंड भी एस आ रही है, तो एस से एस रिलेट कर दिया, मीन्स गधा। और सॉल्ट, देखिए फ्रेंड्स SAULT, सॉल्ट से साउंड आ रही है सॉल्ट, एस वो नमक वाला सॉल्ट, जिसको आप नमक को इंग्लिश में बोलते हैं ना सॉल्ट, तो ये यहाँ पर हमने सॉल्ट को रिलेट कर दिया है सॉल्ट से, मीन्स नमक से। ओके, तो असॉल्ट एस प्लस सॉल्ट, एक साथ बोलकर देखिए, असॉल्ट एस सॉल्ट, असॉल्ट एस सॉल्ट, इस तरह से आपकी देखिए बिल्कुल अच्छे से इसकी पूरी वो अच्छे से इससे रिलेट हो रही है साउंड। ओके, तो असॉल्ट का हमने इसको रिलेट किया एस प्लस सॉल्ट से। अब फ्रेंड्स हमारा हाफ वर्क हो चुका है, अब हम इसे कैसे लर्न करेंगे लॉन्ग टाइम तक के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक अ स्टोरी टू लर्न दिस वर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब हमें यहाँ पर इसकी स्टोरी क्रिएट करनी होगी, फॉल्स स्टोरी ऐसे ही कोई। तो इसकी स्टोरी यहाँ पर हमने ऐसे क्रिएट की है कि कल कुछ लोग एस पर बहुत सारा सॉल्ट ले जा रहे थे, कल कुछ लोग एस पर बहुत सारा सॉल्ट ले जा रहे थे, तो वहां पर कुछ गुंडों ने उन एस पर जो सॉल्ट ले जा रहे थे, उनका सॉल्ट को क्या किया, सब उनके सॉल्ट को छीन लिया, और उन पर क्या कर दिया, अटैक कर दिया, मींस असॉल्ट कर दिया उनको। ओके, तो इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आई होप कि आपको अच्छे से लर्न हो गया होगा कि कल कुछ लोग एस पर सॉल्ट ले जा रहे थे, और कुछ गुंडों ने उन एस के सॉल्ट को लूट लिया और उन पर अटैक कर दिया। तो असॉल्ट मींस हमला करना, मींस टू अटैक, इज दैट क्लियर। आई होप कि आपको ये लर्न हो चुका होगा। अब मैं इसके एग्जांपल बताती हूँ जो इंग्लिश के न्यूज़पेपर में मोस्टली आते ही रहते हैं। तो देखिए इसके एग्जांपल, देखिए She was sexually assaulted while walking to her tuition class. जब वो अपनी ट्यूशन क्लास जा रही थी, तो उसको क्या किया गया, सेक्सुअली असॉल्ट किया गया, मतलब उसको छेड़छाड़ किया गया उसके साथ, और सेक्सुअली असॉल्ट किया गया उसको। ओके, समझ रहे हैं ना, तो सेक्सुअली असॉल्ट किया गया उस पर, सेक्सुअली हमला किया गया उस पर, कब, while walking to her tuition class, जब वो अपनी ट्यूशन क्लास जा रही थी। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए इस तरह के जो सेंटेंसेस हमारे इंग्लिश न्यूज़पेपर में आते हैं, तो मैं आपको वही सेंटेंस एज इट इज निकाल कर देती हूँ, कि जिससे आप जब भी न्यूज़पेपर पढ़ें, तो उस लाइन को आसान तरीके से समझ सकें। वर्ड तो आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है, जब आप इस लाइन को अच्छे से पढ़ेंगे, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इसका मीनिंग ये है।
ओके नेक्स्ट देखिए, द एंग्री वुमेन थ्रेटन्ड टू असॉल्ट हर हस्बैंड. द एंग्री वुमेन थ्रेटन्ड टू असॉल्ट हर हस्बैंड. जो एंग्री वुमेन है, जो एक एंग्री वुमेन थी, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में एक एंग्री लेडी थी, उसने क्या किया, थ्रेटन टू असॉल्ट हर हस्बैंड, कि उसने धमकी दे दी अपने हस्बैंड को कि मैं तुम पर हमला कर दूंगी. इस तरह से उसने कोई धमकी दी अपने हस्बैंड को. किस में आकर, एंग्री मतलब गुस्से वाली वुमेन थी वो, गुस्से में आकर उसने अपने हस्बैंड को धमकी दे दी उस पर हमला करने की. ओके तो ये दोनों ही एग्जाम्पल फ्रेंड्स उसमें आए हुए थे न्यूज़पेपर में, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको यहाँ पर ये दोनों ही दे दूँ, तो इससे आप अच्छे से इसको समझ पाएँ. तो ओके फ्रेंड्स, दोनों वॉकअप्स आपने बहुत अच्छे से लास्ट वॉकअप में सीखी, लास्ट वीडियो में देखी थी आपने. अब मैंने आपको यहाँ पर असॉल्ट पढ़ाया है, अब मैं आपको अपनी नेक्स्ट वॉकअप बताती हूँ. चलिए आज की नेक्स्ट वॉकअप देखते हैं कौन सी है. फ्रेंड्स आर नेक्स्ट वॉकअप इज मोलेस्ट. देखिए स्टूडेंट, MOLEST, मोलेस्ट. देखिए ये मोलेस्ट वर्ड जो है ये न्यूज़पेपर में बहुत आता है. जहाँ पर भी कोई ऐसी न्यूज़ आई हो कि उसने उसको छेड़ दिया, किसी लड़के ने लड़की को छेड़ दिया, तब वहाँ पर इस टाइप की न्यूज़ में आपको ये मोलेस्ट मिलेगा. तो देखिए मोलेस्ट में होता है फ्रेंड छेड़छाड़ करना. ओके देखिए कैसे, टू टच और अटैक समवन इन अ सेक्सुअल वे अगेंस्ट देयर विशेस. मतलब कैसे छेड़छाड़ करना, किसी को फिजिकली सेक्सुअली उस पर क्या करना, उसको अटैक करना, उसको टच करना, मतलब उसके विश के अकॉर्डिंग ना जाकर, मतलब उसके अगेंस्ट जाकर, मतलब उसकी विश ना हो, इच्छा ना हो, उसको बिना इच्छा के उसको टच करना, तो वहाँ पर हम मोलेस्ट का यूज़ करते हैं. तो इसको ऐसे समझिए, मतलब किसी के साथ छेड़छाड़ हुई हो, किसी लड़की को छेड़ा गया हो, तो वहाँ पर उसे छेड़छाड़ वाली न्यूज़ में यहाँ आपको मोलेस्ट मिलेगा. तो मोलेस्ट मिस होता है स्टूडेंट छेड़छाड़ करना. अब देखिए स्टूडेंट्स, हाउ टू लर्न दिस वर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम. अब इस वर्ड को हम कैसे लर्न करेंगे देखते हैं. यहाँ पर मोलेस्ट, देखिए मॉल से यहाँ पर साउंड आ रही है मॉल, तो हमने इसको मॉल से रिलेट कर दिया है. जैसे कि मॉल, आप जैसे जाते हो ना घूमने के लिए मॉल वगैरह में, तो उसको मॉल से हमने मॉल यहाँ पर रिलेट किया है. और एस टी से यहाँ पर फ्रेंड साउंड आ रही है स्टूडेंट. अब इसको पूरा पढ़कर देखिए, मोलेस्ट मॉल स्टूडेंट्स, मोलेस्ट मॉल स्टूडेंट्स. तो देखा कितने अच्छे से इससे रिलेट हो रहा है, तो हमने इसको रिलेट कर दिया. अब इसकी फॉल्स स्टोरी बना लेते हैं. तो स्टोरी क्या होगी, इस वर्ड को लॉन्ग टाइम तक लर्न करने के लिए स्टोरी हम ऐसे बनाएंगे, कुछ गंदे स्टूडेंट्स मॉल में ही क्या करते हैं, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं. कुछ गंदे स्टूडेंट्स मॉल में ही लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, उन्हें सेक्सुअली टच करते हैं उनके विश के अगेंस्ट जाकर. ओके तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से लर्न हो गया होगा मोलेस्ट वर्ड. मोलेस्ट मीन्स छेड़छाड़ करना, और ये इंग्लिश के न्यूज़पेपर में फ्रेंड्स बहुत बार आता है. जहाँ भी आप इस टाइप की न्यूज़ देखेंगे, किसी लड़की को छेड़ दिया गया या रेप वाली कोई न्यूज़ देखेंगे, तो वहाँ पर आपको मोलेस्ट वर्ड जरूर नज़र आएगा. अब मैं इसके एग्जाम्पल बताती हूँ आपको. मैंने जो दो एग्जाम्पल हैं, मैंने दोनों एग्जाम्पल इंग्लिश के न्यूज़पेपर से आपके लिए सेलेक्ट किए हैं. देखिए कौन कौन से हैं. टू मैन वर अरेस्टेड फॉर मोलेस्टिंग माइनर गर्ल्स. दो लोग हैं, दो आदमी हैं, दो आदमियों को क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया है. दो आदमी अरेस्ट कर लिए गए थे किसके लिए, फॉर मोलेस्टिंग माइनर गर्ल्स, कि उन्होंने टू माइनर गर्ल कौन होती हैं, जो 18 से ब्लो होती हैं, 18 से कम की एज जो होती है उनको माइनर गर्ल्स बोलते हैं. तो दो आदमियों को अरेस्ट किया गया था फॉर मोलेस्टिंग माइनर गर्ल्स, मतलब दो माइनर गर्ल्स को छेड़छाड़ के केस में उनको अरेस्ट कर लिया गया था. ओके तो सेकंड न्यूज़ देखिए क्या थी उसमें न्यूज़पेपर में. ही वॉज सेंट टू जेल फॉर मोलेस्टिंग चिल्ड्रन. उसको जेल भेजा गया था. ही वॉज सेंट टू जेल. देखिए यहाँ पैसिव का यूज़ हुआ है फ्रेंड्स. जब आप अच्छे से सारी सेंटेंसेस वगैरह अच्छे से सीख जाएंगे, आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. तो आप जैसे मैंने बहुत सारे सेंटेंसेस की वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, तो आप वहाँ से उठा सकते हैं उन वीडियो को और देख सकते हैं. तो इससे आपको ना वॉकअप्स भी बहुत अच्छे से समझ आएंगे और सेंटेंस भी आपको फ्रेम करना आएगा, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर प्रेजेंट के बारे में बात बताइए, पास्ट के, फ्यूचर के क्या चीज़ बोल रहा है ये, तो और अच्छे से आपको ना पूरा क्लियर होने लगेगा. तो देखिए ही वॉज सेंट टू जेल. उसको जेल भेजा गया फॉर मोलेस्टिंग चिल्ड्रन, बच्चों के छेड़छाड़ के, उसमें कोई उसने बच्चों को छेड़छाड़ की होगी उसके साथ, तो उस जुर्म में उसको जेल भेजा गया. तो देखा आपने कितने अच्छे से दोनों वॉकअप्स को लर्न किया है, असॉल्ट
हमला करना और मोलेस्ट छेड़छाड़ करना। दोनों ही वाकैब्स फ्रेंड्स आप इंग्लिश के न्यूज़पेपर में बहुत देखेंगे क्योंकि दोनों वाकैब्स बहुत आती हैं। तो आप जब इन वाकैब्स को अच्छे से लर्न कर लेंगे तो आप इंग्लिश के न्यूज़पेपर में जहाँ भी इन दोनों वाकैब्स को देखते हैं तो आसान तरीके से इनको समझ पाएंगे कि दोनों वाकैब्स का मीनिंग यहाँ क्या है। तो ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।